हेलो एवरीवन, मेरा नाम भास्कर मेनन है और आज हम कसूरी मेथी पनीर बनाने वाले हैं। शुरू करने के लिए हम बोल में पनीर के क्यूब्स डालेंगे, उसके बाद हम इसमें योगर्ट डालेंगे, 4 टेबलस्पून योगर्ट या दही, इसको थोड़ा हमने टांग के रखा था। अब हम 1.5 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे, ये कलर देगा बहुत बढ़िया। 1 टीस्पून हल्दी या टर्मरिक इसमें डालेंगे, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, 3.5 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फाइनली हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला भी डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए अब इसको हम एक पैन में सॉटे करते हैं। शुरू करने के लिए हम पैन में 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इसे हम गरम होने देंगे। अब हमारा ये तेल गरम हो गया है, इसमें हम पनीर डालेंगे। अब हम डिश में 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, बट ये आपके ऊपर है कि आपको कितना डालना है। ये एक सेमी ड्राई डिश है। हम डिश में कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़े बेहतर कलर के लिए, ब्राइट रेड कलर हमें चाहिए इसमें। हमारा डिश अब ऑलमोस्ट तैयार है। हम इसमें टमाटर डालेंगे जो मैंने ये फोर्स में काटा है, क्यूब्स हैं ये, थोड़ा सा एसिडिटी देंगे बट इनको हमें पूरा नहीं पकाना। हमारा पनीर अब रेडी है, चलिए इसे अब हम प्लेट करते हैं। थोड़ा साइड में हमने एक कचुम्बर काटा है, बहुत सिंपल और फ्रेश। अब हमारा ये पनीर रेडी है। अब हमारा कसूरी मेथी पनीर तैयार है। आप ये रेसिपी आप आसानी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बना सकते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें।